दोस्तों एक्सेल फाइल में सीट टैब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप मल्टीपल शीट्स पे एक साथ काम कर रहे हैं तो आपको ये शॉर्टकट्स आने ही चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 सुपर एडवांस सीट टैब के शॉर्टकट्स। हम वन बाई वन जान लेते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट यहाँ पर ये है कि मेरे पास में बहुत सारी यहाँ पर शीट्स हैं और मल्टीपल शीट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग मेरे पास में 25 शीट्स मैंने यहाँ पर ऐड की हुई हैं और हर शीट में मेरे पास में कुछ न कुछ यहाँ पर डेटा ऐड किया गया है। दोस्तों अब मुझे क्या करना है, दोस्तों कंडीशन मेरे पास में ये है कि मुझे हर टेबल के नीचे एक ग्रांड टोटल के लिए सब टोटल वाली रो ऐड करनी है। अगर हम यहाँ पर मैनुअली एंटर करने जाएंगे तो हमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और फिर भी यहाँ पर एरर होने की संभावना है कि हम कोई शीट मिस भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप शीट टैब का एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली किसी भी एक शीट पे यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से राइट क्लिक कीजिए माउस से और आपको सिलेक्ट ऑल शीट को क्लिक करना है। देखिए अब आपकी सारी शीट्स यहाँ पर हाईलाइट हो रही हैं, बोल्ड यहाँ पर आपको विजिबल हो रही है। इसका मतलब ये सारी शीट्स सिलेक्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे कुछ भी टाइप कीजिए, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर टोटल लिखना है, मैं टोटल लिख देता हूँ और यहाँ पे ऑल्ट के साथ में इजी इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो मेरी जो ऊपर जितने भी रोज हैं उनके अंदर जो भी मेरी एंट्रीज हैं उनका सम हो जाएगा। कंट्रोल आर से मैं फॉर्मूले को रिपीट कर देता हूँ और ऊपर वाला फॉर्मेट मुझे यहाँ पर मान लीजिए पिक करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर जाता हूँ, इस फॉर्मेट को यहाँ से होम टैब पर जाकर फॉर्मेट पैंटर से यहाँ पे पिक करके यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। ओके दोस्तों अब आप मैजिक देखिए, मैं किसी भी सीट पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने सीट 8 पे क्लिक किया, सीट 7 पे क्लिक करता हूँ, 4 पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए हमारे पास में सारी फॉर्मेटिंग और प्लस में हमारे पास में जो रो ऐड करनी थी वो यहाँ पर ऐड हो गई है। दोस्तों तो इस तरीके से आप एमएस एक्सेल के इस फीचर का यूज करके मल्टीपल शीट्स में एक साथ एक्सेस कर सकते हैं और कुछ डेटा अगर आपको ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं सेकंड वाले शॉर्टकट की तरफ। अगर मेरे पास में इतनी सारी शीट्स हैं और इन शीट्स पे से मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर शीट पे जंप करना है तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल के साथ में पेज डाउन करते हैं या पेज अप करते हैं अगर मुझे यहाँ पर जाना है इस तरीके से। बट अगर शीट्स इतनी सारी हैं कि हम यहाँ पर जाएं और माउस से भी पर्टिकुलर शीट पे ना जा पाए, अब जैसे उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं 25 सीट पे हूँ और मुझे फर्स्ट नंबर की जो सीट है उस पर जाना है तो मुझे यहाँ पे बार बार ऐसे क्लिक करना पड़ेगा और अगर शीट्स बहुत ज्यादा हैं तो ऐसे क्लिक करते करते मुझे बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। दोस्तों तो उसके लिए आप एक्सेल का एक और एडवांस फीचर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्या करना है दोस्तों, आपको अपने माउस के कर्सर को आपको यहाँ पर लेके आना है लेफ्ट और राइट वाले के बीच में। ओके यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आपको माउस से राइट क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपके पास में जितनी भी शीट्स आपकी वर्कबुक में ऐड की गई है उन सबकी लिस्ट यहाँ पर आपके पास में आ गई है। अब आप जिस भी शीट पे जाना चाहते हैं सिंपली उस पर यहाँ पे क्लिक कीजिए और एंटर हिट कर दीजिए, आप पर्टिकुलर उसी शीट पे जंप कर जाएंगे। दोस्तों है ना कमाल का फीचर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ कि हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है कि मेरे पास में इतनी सारी शीट्स हैं और इन शीट्स का मान लीजिए मुझे कुछ रिनेम करना है। ओके यहाँ पे आप अगर गौर से देख पा रहे होंगे तो पहचान गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे मेरी शीट का नाम 23 है तो मैंने यहाँ पर एक्सेल के अंदर भी 23 यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों अगर यहाँ पे 21 है तो 21 ही आ रहा है। अब मैं अगर इसी शीट का नेम रिनेम कर देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ JUL जुलाई 21 और जैसे एंटर हिट करता हूँ, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरी उस शीट का नेम यहाँ से रिनेम हो गया है, यानी कि मेरी शीट का नेम मेरे इस सेल के रेफरेंस के साथ में सिंक है। दोस्तों उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूले को मैं आपको यहाँ पर F2 से एडिट करता हूँ, आप यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, इससे आपकी शीट का नेम यहाँ पर भी सिंक हो जाएगा। दोस्तों अब बोलोगे कि ये क्या काम आएगा हमारे, ये काम कहाँ था दोस्तों, इसकी मैं आपको यूजफुल बताता हूँ कि तब यूजफुल होगा जब आप अटेंडेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं मंथ और मंथ की, अगर आपको डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी है या फिर मंथ और मंथ की कोई इनवॉइस एंट्री आप कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट आते हैं एक और मैजिकल फीचर की तरफ। मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर शीट को यहाँ से कॉपी करके दूसरी शीट पे ले जाना है, वहां पे पेस्ट करना है और उस शीट को मुझे किसी को मेल करना है तो वो कैसे करेंगे दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर हम मैन्युअली करने जाएंगे तो सबसे पहले हम इस पूरे डेटा को कॉपी करेंगे और वहां पर जाके इसको एडजस्ट वगैरह करेंगे, न्यू शीट ऐड करेंगे और न्यू शीट का रिनेम वगैरह हमें करना पड़ेगा। ओके बट मैं आपके यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ, उसका यूज करके आप बहुत इजीली ये कर सकते हैं। आपको उस पर्टिकुलर शीट को जिसको आपको कॉपी करना है दूसरी शीट पे ले जाना है या मेल करना है उस पर सिंपली आपको माउस से राइट क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मूव और कॉपी का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देन आपको नीचे देखिए क्रिएट ए कॉपी वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और सिंपली आपको यहाँ आना है कि आपको कहाँ पर मूव करना है, तो इस यहाँ पर ड्रॉप डाउन आप ओपन कीजिए, यहाँ पर आपके पास में जितनी भी ओपन वर्कबुक्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी प्लस में एक न्यू वर्कबुक का भी ऑप्शन आएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर शीट में ऐड करना चाहते हैं तो उस शीट को सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप न्यू वर्कबुक को सिलेक्ट कीजिए और एंटर हिट कर दीजिए। यू कैन सी द मैजिक, ये देखिए आपके पास में यहाँ पर वो शीट एक न्यू बुक 3 के नाम से ऐड हो गई है और उसका नेम भी यहाँ पर आ गया है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो फॉर्मूला था सीट नेम वाला, ये तभी काम करता है जब आप कोई भी वर्कबुक ओपन कर रहे हो और वो आपके डेस्कटॉप पे सेव होनी चाहिए, यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर वो फाइल सेव होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम कर रहा है, क्योंकि फाइल नेम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा हुआ है तो वो सेव्ड डॉक्यूमेंट के लिए ही काम आता है। दोस्तों नाउ फाइनली मूविंग टू दी सुपर एडवांस शॉर्टकट। यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा इस डेटा को क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ, कुछ देर के लिए आप इस डेटा को इरेज कर लीजिए।
कंडीशन क्या है दोस्तों कि मान लीजिए मेरे पास में कोई एक ऐसी लिस्ट है नेम्स की, उनके आधार पर अगर मेरे को शीट टैब्स ऐड करनी है, यानी कि किसी लिस्ट के बेस के ऊपर आपको अगर शीट टैब्स ऐड करनी है विद दैट पर्टिकुलर नेम, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर मोस्टली लोग आपको विजुअल बेसिक कोड्स रिकमेंड करेंगे कि आप ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, बट मैं आपको यहाँ पे विदाउट VBA के यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बहुत ही मैजिकल ट्रिक है। आपको क्या करना दोस्तों, इस तरीके से अपना लिस्ट प्रिपेयर कर लेना है, लिस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, ऑल्ट एन VT दबा दीजिए, आइदर आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाके पिवट टेबल का एक ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कर लीजिए, देन आपके पास में देखिए विंडो आ गई है, विंडो पे आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे सेलेक्ट करना है और लोकेशन आपको इसी शीट में किसी भी एक कॉलम के दे दीजिए, देन एंटर हिट कर दीजिए। ये देखिए पिवट टेबल का एरिया आपके पास में आ गया है। आपको क्या करना दोस्तों, सिंपली जो आपके पास में एक ही तो फील्ड है यहाँ पे टीम, जो कि आपकी लिस्ट का हेडर है, उसको आपको सिंपली उठा के फिल्टर में डालना है, और यहाँ पे देखिए फिल्टर आपके पास में आ गया, फिल्टर को आपको ओपन करना है और इस तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मुझे टोटल वाले को रिमूव करना है, इसमें टोटल आ रहा है, नो प्रॉब्लम, मेरे पास इतना डेटा आ रहा है, ओके ठीक है, इसको हम ओके कर लेते हैं, नाउ फाइन। अब हमें क्या करना दोस्तों, यहाँ पर सिंपली एनालाइज टैब पे जाना है और यहाँ पर देखिए आपके पास में एक ऑप्शन आ रहा है, सॉरी एनालाइज टैब पर जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन का सेक्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, जैसे आप इस पर हिट करेंगे और एंटर करेंगे, यू कैन सी द मैजिक, ए बी सी डी यानी कि जो भी आपके लिस्ट नेम थे उनके बेस पे आपके पास में यहाँ पर शीट टैब्स ऐड हो गई। और ये ट्रिक आपको जरूर समझ में आ गई होगी, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत काम की ट्रिक है दोस्तों, बहुत यूजफुल है, आपके बहुत काम आएंगी। सो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अगर आप छोटी छोटी ट्रिक सीखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर छोटी छोटी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। सो आई होप सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।